गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब और विश्व फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में रविवार को महानगर के रेलवे स्टेशन स्थित एक होटल में मीडिया कार्यशाला आयोजित किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए मुख्य अतिथि और जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के उपाध्यक्ष अतुल मुरारी तिवारी ने कहा कि बीमारियों के उन्मूलन में जागरूकता की अहम भूमिका होती है और इस काम में सरकार का स्वयंसेवी संस्थाएं पुरजोर मदद कर रही हैं। साथ ही विशिष्ट अतिथि और प्रेस क्लब महामंत्री मनोज यादव ने कहा कि डेंगू की रोकथाम में सामुदायिक स्तर पर विश्व फाउंडेशन और मीडिया संचार के स्तर पर सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च का अहम योगदान रहा है। वहीं विश्व फाउंडेशन के प्रोग्राम मैनेजर अंजुम गुलवेज ने कहा कि संस्था के 3 साल के कार्यकाल में डेंगू की रोकथाम में संचार के स्तर पर गोरखपुर की मीडिया ने सदैव सकारात्मक भूमिका का निर्वहन किया है। इस अवसर पर वेद प्रकाश पाठक, प्रेस क्लब कार्यकारिणी से अंगद प्रजापति, बैजनाथ गुप्ता, संजय कुमार, निखिलेश प्रताप सिंह चंदन, विश्व फाउंडेशन की तरफ से विनीत कुमार और विकास कुमार समेत दर्जनों पत्रकारगण मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए विश्व फाउंडेशन के प्रोग्राम मैनेजर अंजुम गुलवेज ने कहा, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप अलग अलग आयोजनों में मेरी आप सभी से मुलाकात है। अगर कुछ नए साथी होंगे तो मैं अपने परिचय दे दूँ। मेरा नाम अंजुम गुलवेज है और मैं विश्व फाउंडेशन परियोजना, यहाँ विश्व फाउंडेशन की परियोजना यहाँ चल रही थी सुबह परियोजना के नाम से, स्ट्रेंथनिंग अर्बन बिहेवियर अराउंड हेयर, उसको एज ए कार्यक्रम प्रबंधक के रूप में गोरखपुर में पिछले 2 साल से देख श्री गोरखपुर जाना करने का उद्देश्य था। विश्व फाउंडेशन डेंगू के रोकथाम के लिए जो योगदान गोरखपुर में दे रहा था, उस योगदान को देने के बाद अब समय आया है कि हम जो परियोजना यहाँ चला रहे थे उसको बाइंड अप करना है, क्योंकि शहरी क्षेत्र में डेंगू की रोकथाम और डेंगू की नियंत्रण के लिए काम कर रही है, लोगों के लिए और लाभकारी बनाया जाए, जो कम्युनिटी है उसको अवेयर करने के लिए खासतौर से इंटरनेशन है, तो उनको कम्युनिटी बेस इंटरनेशन ही बोलते भी हैं। हमने कम्युनिटी को जागरूक करने के लिए कई तरह की कामयाब हुए इस परियोजना के माध्यम से। यह जाते जाते यह आयोजन हो पाया कि अब आपका प्रयोग पूरा हो गया और अभी जा रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे बहुत खुशी है जब उनका प्रस्ताव आया और पाठक जी ने हमसे कहा तो उन्होंने कहा इसको प्रस्ताव कराया जाए, अभी 4 दिन पहले वापसी नहीं होगी, तो बहुत अच्छा लगा। और अंजुम जी के साथ करीब 3 साल हो गए और कई कार्यक्रमों कई कार्यशालाओं में हम लोग साथ रहे हैं और जागरूकता अभियान चलाया, तो हम लोग उसका हिस्सा रहे हैं और लगातार हम लोग जुड़े रहे। और डेंगू का आंकड़ा वास्तव में स्वास्थ्य विभाग भी छुपाता रहा है। मुझे याद है कि अपने सीनियर साथी हेमंत पाठक जी को एक बार परेशान करने के लिए, जब मैं मरियादा में था, मैं कॉम्पैक्ट में था और सीओ सी को हेल्थ मिला, उस समय डेंगू पर रिपोर्टिंग हो रही थी, हम और सीओ अगल बगल बैठे और ये तय किया गया कि कल हेमंत पाठक जी को कैसे प्रतिज्ञा देनी है, तो हम लोग रात में तय किए कि आज यह लिख दिया जाए डेंगू का आंकड़ा 100 के पार, और यही छपा। उसके बाद स्वास्थ्य विभाग में खलबली मची और अगले दिन से आधिकारिक आंकड़ा जारी होने लगा। ये मेरा नाम अंजुम गुलवेज है और विश्व फाउंडेशन परियोजना में मैं कार्यक्रम प्रबंधक के तौर पे इस परियोजना को देख रहा हूँ। सर, इस कार्यशाला का आयोजन विश्व फाउंडेशन और गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के तत्वाधान में, जो पत्रकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनके साथ इस किया गया था। इसमें विश्व फाउंडेशन की जो परियोजना शहरी क्षेत्र में चल रही है डेंगू से रोकथाम और बचाव के लिए, उसके बारे में पत्रकारों को बताना और साथ ही साथ क्योंकि इस परियोजना में पत्रकार जो मीडिया है उसकी भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है लोगों को जागरूक करने के लिए, तो पत्रकारों को ये बताना कि कौन से क्षेत्र ऐसे हैं जिन पे काम करने की आवश्यकता है और कौन से क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें काम करने से बहुत ज़्यादा उन्नति हासिल होगी, तो उनको ये सब जानकारी देना इस कार्यशाला का आयोजन करने का उद्देश्य है।